कैप्टन संदीप संधु का फोन आया कि मैनू सीएम साहब ने एक मैसेज दिता, तो वह मैसेज मैं तेनों देना, तो धमकी भरिया मैसेज। एक चीफ मिनिस्टर अपने पोलिटिकल सैकटरी राही एक एम एल ए यह सुनेहा दे रहा भी तू तैयार हो जा तेनू ठोकना। मैं क्या फिर तू एक मेरा सुनेहा दे सकता? मैं क्या जिथे मर्जी जदों मर्जी मैं रेडी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हाँ इस काम लई। सरकार ने जो करना वह कर ले। इन एजेंसिया के थ्रू ये कहें कि हाँ भी आ जा तेरी हुण बांह मरोड़ी है। कैप्टन साहब आपां पुठे राह पै गए हाँ। समा किसी का नहीं बचता हुंदा, समा मुगलों का नहीं बचिया, मंगोलियन का नहीं बचिया, गोरियां का नहीं बचिया, इत्थे बहुत आए आ। ये सच की सज़ा देनी चाहते हैं तो फिर जरूर जिथे मर्जी जदों मर्जी जिथे मर्जी आ जाए। परतिंदर चहल उहो ही बेसिकली ये ताना बाणा मुड़दा, और मैनू सारा कुछ मैनू गल समझ भी हैगी आ, मेरा दिमाग भी चलता, तो मैनू लिखना भी आता, मैनू पढ़ना भी आता, तो मेरे च गट्स भी है। पिंडां दे पिंड इन्हां लोकां ने धड़िया च वंड के रख दिते, ते आप शाम नू कट्ठे ही आ, आप जदों किते भी सिस्टम च उलझण आउंदी आ, जदों तीजा बंदा कोई कहण दी जुरत करदा, उदों फिर उहनू सारे जणे कट्ठे हो के पैंदे आ। नवजोत सिंह सिद्धू जे दो साल पहला जे इन्हां कोल उहदे अगेंस्ट इन्ना मटीरियल है तो फिर दो साल भी क्यों रखिया? इस करके कप्तान साहब मैं भी हिंदुस्तान का कैप्टन रहा हाँ हॉकी का। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कहना चाहुंदा कि ते बैठ के कल्ले कमरे च शीशे च बैठ के सोचो तो सही भी मैं कर की रहा। असली गल है कि मैनू वीरवार रात नूं कैप्टन संदीप संधु का फोन आया कि मैनू सीएम साहब ने एक मैसेज दिता, तो वह मैसेज मैं तेनू देना, तो धमकी भरिया मैसेज। मैं तू एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन बारी मैं क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह गल कही आ, इन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह गल कही आ कि तेरिया असी लिस्टां बहुत कढ लईआं, तो तैनू हुण असी ठोकणा। पहला तो सच्ची गल आ कि महसूस बड़ा होया कि असी किधर नूं तुर पए। असली जिहड़े इशू सी असी उह किधर नूं लै गए, क्योंकि कोविड का समा पंजाब बड़े डिफिकल्ट और हिंदुस्तान बड़े डिफिकल्ट दौर चो गुजर रहा, तो उस दौर दे विच एक चीफ मिनिस्टर अपने पोलिटिकल सैकटरी राही एक एम एल ए यह सुनेहा दे रहा भी तू तैयार हो जा तेनू ठोकना। मैं क्या फिर तू एक मेरा सुनेहा दे सकदा? मैं क्या जे सच बोलण दी ये सजा आ ना, जे असी बेअदबियां दी कोई गल कीती आ, जे पावर परचेज एग्रीमेंट्स दी रिव्यू करन दी गल कीती आ, जे माइनिंग दी गल कीती आ, जे एक्साइज दी गल कीती आ, ते ओ कादे लई कीती आ? वो इस करके की भी पंजाब की इकोनमी ठीक हो जाए, पंजाब का सोशल कल्चर ठीक हो जाए, पंजाब बेसिकली जिहड़ा किते ना किते गुरुआं पीरां दी धरती आ, वो किसी भी धर्म ना कोई वितकरा हुंदा, किसी भी जात ना कोई वितकरा हुंदा, क्योंकि साडी फिलोसफी वो आ। असी कम तो उहदे ते करना सी, क्योंकि दो साल पहला तुहानू सारिआं नूं पता मैं चिट्ठी लिखी सी, ते लेकिन जे उहदी केड़िआ मैं क्या जिथे मर्जी जदों मर्जी मैं रेडी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हाँ इस काम लई। सरकार ने जो करना वह कर ले, क्योंकि मैनू नहीं सी पता भी असली गल आ ये पॉलिटिक्स जिहड़ी इन्नी माड़ी हुंदी आ, और पढ़ना भी आउंदा, लिखना भी आउंदा, ते समझना भी आउंदा। असलीयत यह आ भी ये लोकी पहला तुहाडे ते एहसान करदे आ। मैं नहीं कहिंदा, मैनू सरदार सुखबीर सिंह बादल लैके आए सी
पॉलिटिक्स दे विच मैं नहीं आउंदा सी, लेकिन इन्ना आसान तो नहीं ना भी हुण असीं पंजाब लुटदा होया देख लईए। मैं कभी किसी पोलीटल पार्टी अज तक माड़ा नहीं कहा, क्योंकि पोलीटल पार्टियां नहीं माड़िया, उन्होंने चला वाले लोग माड़े आ। चला वाले लोगों ने धंधा बना लिया, तो उस डेमोक्रेसी बचाने की जरूरत है। तो जे उस डेमोक्रेसी ना बचावे तो फिर आने वाला समा जोड़ा वो साढ़े लिए बहुता चंगा नहीं। जे सूबे दे विच्चों हर दसवीं जां प्लस टू पास करके बच्चा बाहर जाण नूं तैयार आ, वह कहिंदा सी डिग्री नहीं करनी सानू आईलैट्स करा दिओ, हर बिजनेसमैन भज्जण नूं तैयार आ, हर वो इंसान इत्थों जाण नूं तैयार आ जिहड़े असीं पंजाब दी गल करदे आ। क्योंकि मैं तां हिंदुस्तान दी 10 साल कप्तानी कर ली, ते जदों तुहाडे हत्थ च झंडा हुंदा सी ना ते तुसीं माण महसूस करदे सी भी असीं हिंदुस्तान नूं रिप्रजेंट करदे आ। तो मैं कई बार वो अथलीट रोंद भी देखे, वो उन्हों की फीलिंग आ, वो अपने कंट्री का जो झंडा लैके अगे वे मेरे वर्गे नाल, मेरे वर्गे नाल जे इदा का है, क्योंकि हर बंदे की बाह मरोड़े आ, हर बंदे इन एजेंसियों के थ्रू ये केंद्र आ कि हाँ भी आ जा तेरी हूँ बाह मरोड़िए, कैप्टन साहब आप पुठे राह पै गए, आप ये बाम रोड वाली रीत राजनीति छड़िए, समा किसी का नहीं बचता हुंदा, समा मुगलों का नहीं बचिया, मंगोलियन का नहीं बचिया, गोरियां का नहीं बचिया, इत्थे बहुत आए आ, इत्थे बहुत ने आना, जिहड़ी किते जिहड़ा सूरज चढ़दा हुंदा ना वो ढलदा भी हुंदा। और जिहड़ी जिन्नी एजेंसी हैगियां, क्योंकि सरकारां तां आउंदियां जांदियां रहिंदियां, तो अफसर वो आवे जिहड़ा साफ सुथरा होवे, जिहदियां लत्तां भार चलदियां होण, मेरे आ आ जावे जदों मर्जी आ जावे, जां मैनू कॉल कर लवे मैं चले जाना उत्थे। ये धमकियां, क्योंकि असली गल है कि पोलिटिकल सिस्टम च मैं तां ये देख रहा भी पार्टियां दियां पार्टियां रल जांदियां आपस विच, ब्यूरोक्रैट्स रल जांदे आ। जिद्दण ब्यूरोक्रैट्स अपनी जॉब के बच्चे आता ना, जे कुते IPS भर्ती होके, IPS भर्ती होके, PPS PCS भर्ती होके, तो उन्होंने सौ खिलाई जाती है भी बिना किसी प्रैशर तो, बिना किसी क्रीड एंड कास्ट तो तू कानून के मुताबिक काम करना। इंस्टीट्यूशनज बर्बाद कर दते इन लोगों ने, जदों इंस्टीट्यूशनज बर्बाद कर दते, मैं कहना पोलिटिकल बंदा तो आपां सारयां नूं गल समझ आ गई, लेकिन ब्यूरोक्रैट तो एक पोस्टिंग करके इन दियां कठपुतलियां बन गई। मैं नहीं कहिंदा इमानदार है नहीं बिच हैगे आ, लेकिन वरतदे उहो जिहा नूं आ जिहड़े कि इन्हां दे विच भी ब्लैक शीप्स आ। सुखी रंधावे ने कल स्टेटमेंट दित्ती आ, चन्नी दे भी अज जिहड़े चरणजीत सिंह चन्नी आ उहनां दे अगेंस्ट भी अज खबर प्लांट कराई गई। जे यही गल्लां असी कदों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लाउण तुर पए सी, असी कदों कहा सी, लेकिन जे ये सच की सज़ा देनी चाहुंदे आ तां फिर जरूर जिथे मर्जी जदों मर्जी जिथे मर्जी आ जाण। इन्हां लोकां ने, क्योंकि मैं तां सिर्फ इक्को ही गल करदा हुंना भी आपां कम कर लईए, आपां इंस्टीट्यूशनज रहण दईए, लेकिन ना। और जिहड़ा विजिलेंस का DGP आ परतिंदर चहल, क्योंकि हुण तुसीं मैनूं यह कहोगे भी हाँ भी डीफैक्टो उही बेसिकली ताणा बाणा मुड़दा, और मैनूं सारा कुछ मैनूं गल समझ भी हैगी आ, मेरा दिमाग भी चलदा, तो मैनूं लिखना भी आउंदा, मैनूं पढ़ना भी आउंदा, तो मेरे च गट्स भी हैगे आ कि पंजाब नूं किद्दां डिफेंड करना। मैं तो असली गल है तुहाडे नाल पिछली बारी जदों प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती सी, मैं तुहानूं कहा सी भी आपां पंजां सत्तां दसां दिनां तां मिलांगे, पर मिलना तां किसे होर टॉपिक ते सी। असली गल है मिलना किसे होर टॉपिक ते सी, पर इह तां विच टॉपिक ही होर लै आंदा, उह भी मैं तुहानूं किसे दिन, क्योंकि आपां 2-4 दिनां बाद मिलदे रहा करांगे, क्योंकि लड़ाई असूलां दी आ, लड़ाई उन्हां कदरां कीमतां दी, लड़ाई पंजाब लई आ, जे नहीं लड़ांगे
ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਹੈ ਜੇ ਚਾਰੇ ਪਿੱਲਰ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੌਲੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਹ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਪਸੈਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਮੇਕ ਏ ਟੀਮ, ਲੈਟ ਅਸ ਮੇਕ ਏ ਪੰਜਾਬ ਮੂਵਿੰਗ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਉਲਝਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਨ 'ਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ? ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 4.25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, 2017 'ਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸਟ ਇਨਿੰਗ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੀਂਗ ਏ ਖਿਡਾਰੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਓਪਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।